हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है संडे का और सुबह की बज रही है अभी 7:15 और बस अभी कुछ देर पहले ही शावर लेके निकली हूँ। बाल बाल मैंने आज धोए हैं और अभी मैं हो रही हूँ तैयार, ठीक है, क्योंकि मुझे जाना है आज बाहर। कहाँ जाना है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन सुबह जल्दी ही निकलना था और रात को ही मतलब प्लानिंग करी थी कि 7 बजे यहाँ से हम सब निकल जाएंगे, लेकिन सारी प्लानिंग डिसमिस हो गई क्योंकि सुबह नींद ही नहीं खुली किसी की भी। तो वैसे तो मुझे साड़ी पहनी है कुछ देर में, लेकिन अभी मैंने नहीं पहनी क्योंकि मुझे थोड़े बहुत काम करना है, वो निपटाऊंगी और उसके बाद मैं पहनूंगी साड़ी, क्योंकि फिर साड़ी पहनने के बाद में मुझसे काम नहीं हो पाएगा। और मेकअप मैं पहले कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद में इसी ड्रेसिंग टेबल के यहाँ पर ही सब लोग तैयार होते हैं, तो फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं तैयार तो हो जाती हूँ। तो इस टाइम पर मैं आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी मेकअप के टाइम पर। वैसे तो मैंने अपना मेकअप का ट्यूटोरियल जो है आपके साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि बिल्कुल बिगनर्स वाली जो होती है ना मेकअप किस तरह से किया जाए, क्या क्या चीज़ें यूज़ में ली जाए, तो वो मैंने आपके साथ में वैसे भी शेयर किया हुआ है। लेकिन हुआ क्या कि बाहर जाना ये पहले डिसाइड था, लेकिन मैं आईब्रो कराना बिल्कुल भूल गई थी। तो जब इस तरीके से आप भी मेरी तरफ भूल जाओ ना, तब करना क्या होता है, आपके पास में कंसीलर या फिर जो फाउंडेशन वगैरह होता है ना वो थोड़ा सा लेके और बिल्कुल जहाँ पर आपकी आईब्रो की जो शेप होती है ना बिल्कुल उसके नीचे आपको अच्छे से लगा देना है। तो उससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे से जो बेबी हेयर्स आते हैं ना वो छुप जाएंगे और एकदम प्रॉपर आपकी शेप जो है वो दिखने लग जाएगी। तो मैंने ऐसे ही किया और अभी बस अपने फेस के ऊपर मैंने थोड़ा सा पहले थोड़ा सा कंसीलर लगाया और उसके बाद में थोड़ा फाउंडेशन लगा दिया, थोड़ा सा टेलकम पाउडर लगाया, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो फाउंडेशन और ये सब लॉक हो जाते हैं। बस अभी इतना ही मेकअप किया और साड़ी मैंने पहन ली है, ठीक है, साड़ी पहन ली क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि लेट हो जाएगा, तो मैंने साड़ी पहन ली। और बाल अभी मुझे बनाने हैं क्योंकि अभी बाल गीले हैं इसके लिए। तो बस अभी मैं फटाफट से आई हूँ किचन के अंदर, चाय हमने पहले ही पी ली थी, तो अभी मैं चाय के जो बर्तन है वो साफ़ कर दूँगी। और अभी मैंने पानी का जो मटका है वो रात को ही भर के सोई थी, तभी जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो मैं पानी का मटका तो हमेशा रात को भर के रखती ही रखती हूँ, क्योंकि हम फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं और ये जो पानी का भरा हुआ मटका रहता है ना, तो उससे मैं मॉर्निंग में जैसे आपकी जो शॉप की बॉटल है ना वो भर देती हूँ ताकि वो भी ठंडे पानी का मज़ा ले सके। और फिर मॉर्निंग में मैं अगेन मटका भरती हूँ, दिन को एक बार फिर भरती हूँ। तो इस तरीके से मटका एनी टाइम जो है वो भरा हुआ रहना चाहिए और मटके का पानी हम लोग पीते हैं। तभी बस मैं फटाफट से तैयार हो रही हूँ और परी जो है वो तैयार हो गई थी, खाली उसकी मुझे थोड़ी हेयर स्टाइल बनानी है, उसको मैंने टॉवल्स वगैरह सुखाने के काम पर लगा दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम सब हो गए हैं रेडी और अभी हम सब जा रहे हैं बोरीवली, और रात को ये सोच के सोए थे कि 5:30 बजे उठ जाएंगे और 7 बजे निकलेंगे हम यहाँ से, और एक 2 घंटा यहाँ से लगते ही पहुँचने में, तो 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे टारगेट था। सारा टारगेट हम सबका फेल हो गया क्योंकि आजकल है ना ऐसे ऐसे चालू करके सोते, तो नींद खुली हम सब की 7 बजे, 7 में 10 कम थे मेरी नींद खुली। फिर 100 की स्पीड में हम सब ने काम किया और फिर भी अभी देखो कितनी बज गई है, 8:30, ये घड़ी के अंदर 8:30 बज रही है। तो बस अभी हम सब रवाना हो रहे हैं और देखो कितने बजे तक पहुंचते हैं वहाँ पे, ठीक है। और परी हो गया बेटा, बेली स्पैन वैन अच्छे से क्लीन करना उनको, ठीक है, चलो चलते। पानी की बोतल ले ली और कुछ नहीं लेना, सिर्फ पानी की बोतल हमने साथ में रखी है, और बस चलो वहाँ पे जाते हैं और मिलते हैं वहाँ पर। अच्छा, जब भी बाहर जाना होता है ना तो सब लोग बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद में लास्ट में मैं निकलती हूँ, क्योंकि उसके बाद में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो मेरे से छूट जाती है, जैसे कि लास्ट में मेरा मोबाइल अंदर रह गया था, तो मोबाइल लेना है, चाबी लेनी है और लाइट्स वगैरह बंद करनी है, गैस का जो स्विच है उसको चेक करना है, तो ये सब काम किए और फाइनली अभी मैं आ गई हूँ नीचे। अभी हम जल्दी से होंगे रवाना और आगे व्लॉग में मेरे साथ में बने रहिएगा। आप यहाँ पर ये सोच के मत हट जाना कि आगे पता नहीं क्या होगा, देखें या नहीं देखें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो देखना ज़रूर। और आपको इतनी सारी बाहर रश दिख रही होगी, एक्चुअली आज हमारे यहाँ पर मतलब इंडिया के जो होम मिनिस्टर है, पता है कि नहीं, आप सबको नाम में बता देती हूँ, नहीं पता हो तो, अमित शाह जी, तो वो आज हमारे यहाँ पर आने वाले हैं। तो उस चक्कर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा मतलब मेरे घर से हमको हाईवे पर पहुँचने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगे, और लगते हैं नॉर्मली तो, लेकिन आज हमको कम से कम 25 मिनट लग गए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत से रोड जो थे वो तो बंद ही किए हुए थे, हमको खैर हाईवे पर जाना था तो ये वाला रोड ओपन था, अदरवाइज़ बहुत से रोड जो है वो बंद किए हुए थे, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो है वो यहाँ पर आने वाली थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, अमित शाह जी है, और बहुत सारे राम है, मतलब बहुत सारे। आज तुमने बिहान परी, आज तुमने पता है बहुत बड़ा मौका खो दिया, आज तो परी बिहान, आज अपने इंडिया के जो होम मिनिस्टर है वो अपने घर घर में आने वाले, और अब हम लोग वहाँ पर है ही नहीं। हाँ, आज होते हैं तो आज हम भी वहाँ पे बैठते हैं। इतनी सारी पब्लिक आ रही, पूरी 20 लाख पब्लिक आ रही, और बहुत से लोग जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि रात को ही वहाँ पर बैठ गए। सही है जैन साहब? हम हमको बता दो, हम भी रात को बैठ जाते हैं वहाँ।
इसी बहाने हम मिश्रा जी को देखते तो थे, लेकिन किस्मत इतनी खराब है आज के दिन हमको बोरीवली जाना है। और एटलीस्ट देखे ना देखे, बड़ी दूर से ही देखते, लेकिन हाँ वहाँ पे हम जाते तो थे क्योंकि हमारे एरिया में आ रही इतनी बड़ी बात है। लेकिन अच्छा एक बार पहले भी ना पीएम मोदी भी हमारे यहाँ पर आए थे, तो उस टाइम पे भी हम यहाँ नहीं थे, उस टाइम शायद उदयपुर में थे ना, हम उदयपुर में थे और ये यही थे। आप गए थे उस टाइम पे? हाँ ये तो गए थे, दूर से दर्शन किए थे इन्होंने। लेकिन हमारे तो नसीब में ही नहीं है, बताओ पीएम मोदी आए, अमित शाह जी आए, इतने लोग आ रहे हैं हम लोग देख ही नहीं पा रहे। अच्छा उसके पहले ना बीच में जेठालाल भी आया था, वो हमारे यहीं पर कोई स्वीट की बड़ी सी शॉप खुली थी और उसकी ओपनिंग में वो आए थे, तो उस टाइम पे भी मैं ना वहाँ पे थी, कहाँ थी, बड़ौदा गई थी शिल्पा के वहाँ पर, तो वो भी हमने मिस कर दिया। तो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग मिस कर लेते हैं। अच्छा आप सब हमेशा मुझे पूछते हैं ना कि दीदी आप मुंबई में कहाँ रहते हो कहाँ रहते हो, तो ये जो अभी मैंने आपको सर्कल बताया वो हमारे एरिया का सबसे मेन फेमस सर्कल है, तो इसको देख के आप बताना जरूर कि मैं कहाँ पे रहती हूँ। और फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए, करीबन डेढ़ घंटा हमको लगा था। और यहाँ पर ये देखो सम्मेलन में हम इस तरीके से सब लोग मिलते हैं, आधी पब्लिक ही दिख रही है क्योंकि आधी पब्लिक जो है वो ऊपर हॉल में मीटिंग में है। हम लोग पहले वहीं बैठे हुए थे लेकिन फिर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ तो थी लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर हम लोग यहाँ पर जो ओपन एरिया वहाँ पर आ गए। और वहाँ पर गिरजा है, सपना दीदी है, उसके भी बच्चे हैं, गिरजा के बच्चे हैं, और इधर ये देखो हमारे मामी जी है, मतलब सब लोग सारे रिलेटिव जो है वो है। एक्चुअली हम उदयपुर से बिलोंग करते, तो उदयपुर और उसके आसपास के एरिया के जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं ना, तो उन सब का एक गेट टुगेदर होता है, पूरे साल में दो बार होता है। ये वाला जो गेट टुगेदर था वो छोटा ही है क्योंकि ये सिर्फ आधे दिन का ही होता है, अदरवाइज दिवाली के बाद में होता है वो पूरे दिन का होता है, मतलब उसमें लंच भी होता है, ब्रेकफास्ट होता है, डिनर भी होते हैं, बहुत से प्रोग्राम होते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। चल चल चल, तो डेढ़ बज गई है और इतनी तेज़ वाली धूप आ रही, इतनी तेज़, और गाड़ी पार्किंग की जगह जहाँ हम गए वहाँ आसपास तो थी नहीं, थोड़ा सा दूर पार्किंग किया, तो भी तिखी तिखी से धूप में चलना पाप रहे, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। तो ये है बोरीवली का जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ना, उसी के अंदर बना हुआ है हमारा जैन मंदिर, और वहीं पर था गेट टुगेदर। बहन आगे देखो बेटा, कहाँ है गाड़ी, किधर है, वो जा रहे हैं विहान, पापा और परी, वो परी जा रही है आगे आगे जैसे गाड़ी उसकी को चलानी है जैसे, और ये क्या विहान, विहान रुको, फाइनली वी गोट अवर कार, और अब अंदर बैठेंगे, बहुत तेज़ वाली गर्मी लग रही है, माय गॉड तेज, रुक जा, लगी सिर पे लगी तो पापा, बहुत गर्मी, बाहर आ जाओ ना, दो मिनट थोड़ा सा हीट निकलने दो। एक घंटा हो गया आने के बाद, तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वीडियो मोबाइल उठाऊं, वीडियो शूट करूं। हाँ आते में मैंने जो मेरी हाउस हेल्पर है उनको मैंने कॉल कर दिया था, उनको मैंने एक्चुअली जब जा रहे थे ना तभी मैंने फ़ोन किया था कि आज हम बाहर जा रहे हैं और आते आते लेट हो जाएगा, तो आपके जितने भी काम है वो सारे निपटा के और उसके बाद में घर पे आना, तो कुछ देर पहले ही झाड़ू पोछा करके गई है, तभी घर जो है वो मेरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया और अब मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और आके मैंने ड्रेस चेंज नहीं करी थी क्योंकि मैंने आके कुछ रील्स बनाए थे, एक्चुअली रील्स मॉर्निंग में तो टाइम ही नहीं मिला था, और ना जब भी तैयार होती हूँ तो फिर मन होता है कि हाँ ज़्यादा नहीं लेकिन 2-3 रील्स जो है वो अच्छे अच्छे से बनाऊं और इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करूं, ठीक है। तो जाके आप वहां पर देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे हमेशा देती हूं, ठीक है, और कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, ठीक है। और अभी कुछ देर मैंने रेस्ट वगैरह किया है, जैन साहब उधर सो रहे हैं, परी अभी कुछ देर टीवी देख रही थी, अभी वो भी गई सोने के लिए, और विहान ये देखो ये टीवी देख रहा है, ठीक है। और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर, मुझे बनाना है खाना, तो खाना फिर वहाँ से खाया था हम लोग ने 1:30-2 बजे के करीब, और अभी बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन बच्चे ना जब भी बाहर जाते हैं ना तो अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, मतलब वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी था उसके बाद में लंच भी था, 2 टाइम का खाना था। और आप सोचो कि हम जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे और वहीं पे परी तो चालू हो गई थी कि मम्मी एक काम करो, कोई ना कोई शॉप अगर आपको दिख जाए तो वहाँ से हमको ना कुछ कुरकुरे वेफर दिला दो, तो मैंने खैर कुछ नहीं दिलाया क्योंकि इतने दिन से वो बीमार थी ना, कुछ नहीं दिलाया, लेकिन अब वो जाके सोई है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो उठे उसके पहले पहले कुछ ना कुछ बना दूँ, तो रोटी सब्जी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे भी हो रही है थकान। और कपड़े जो है वो मैंने अभी चेंज नहीं किए हैं क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इतनी मेहनत से साड़ी वगैरह पहनी तैयार हुई है, तो थोड़ा सा व्लॉग जो है वो इसी के अंदर शूट कर देते। और ये लिए मैंने चावल क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ अभी पुलाव, ठीक है, सो ये बनाऊँगी मटर का पुलाव और साथ में रहेगा दही, ठीक है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो
पहले तो पुलाव मुझे बनाना था मटर का, और फिर जैसे ही मैंने फ्रीजर ओपन किया तो मटर से भी ज़्यादा कॉर्न पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आज कॉर्न का ही पुलाव बना देते हैं। बहुत टाइम बाद बन रहा है पुलाव कॉर्न का। अच्छा, मैं जो पुलाव बनाने वाली हूँ वो मैं बनाऊँगी कढ़ाई में, तो आज आपके साथ में मैं टेस्टी से पुलाव की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आप क्या बोलते हैं, पुलाव बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं, बहुत सारी जगह पर इसको एक नाम और होता है, वो मेरे दिमाग से निकल गया है, एक नाम और होता है, मैं बनाऊँगी ना तो फिर आप मुझे बताना कि आपके यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है। एक नाम मैं मिस कर रही हूँ अभी तो याद था कुछ देर पहले तक, तो चलो ठीक है, आगे मुझे वीडियो में याद आ जाएगा तो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं चावल जो है वो धो दूँगी दो तीन पानी से अच्छे से, और फिर उसके बाद में 10-15 मिनट जो है वो चावल भिगो के रखूँगी, और जब तक दूसरी मैं तैयारी भी कर लूँगी। हाँ भाई, अचानक से मुझे याद आ गया, तहरी, बहुत जगह तहरी भी बोला जाता है, तो बहुत से लोग इसको कुकर में बनाते हैं लेकिन मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। मतलब शुरू से हमारे घर पे कढ़ाई में ही बनाई जाती थी, तो मैं कढ़ाई में ही बनाऊँगी, तो किस तरीके से बनाऊँगी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और सबसे पहले तो मैं मिर्ची जो है वो कट कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मैं पुलाव बना रही हूँ आज इसके अंदर बिल्कुल भी गर्म मसाले का किसी का भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में वहाँ का बाहर का ही खाना खाया था ना, तो उसमें बहुत सारा तेल, गर्म मसाले, बहुत ग्रेवी, इस तरह की सब्ज़ियाँ होती है ना, तो फिर दोनों टाइम उस तरीके का खाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं आज जल्दी में पुलाव बना रही हूँ, और वो भी एकदम सिंपल से ही बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने एक तरफ पानी जो है वो गर्म रख दिया है, क्योंकि ये वाले पुलाव के अंदर गर्म पानी ही डालते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैंने ले ली है बड़ी सी कढ़ाई, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि अभी रोटी सब्ज़ी कुछ नहीं बनेगी, पुलाव से ही काम चलाने वाले। और रखा है मैंने तेल, और उसके अंदर डाला है सबसे पहले हींग डाला है, थोड़ा सा राई, जीरा और सौंफ डाली है, तो सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और बिल्कुल स्लो स्लो फ्लेम पर ही हम इसको बनाएंगे, अच्छा बनता है बहुत। उसके बाद मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक बारीक कट करके डाल दिए, और इन सबको कर देंगे अच्छे से फ्राई। तो ये सब चीज़ें जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद में मैंने ऐड किया है इसमें कॉर्न। तो कॉर्न को भी हमको अब कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे अच्छे से पक ही जाएंगे, खाली हल्का फुल्का इसको हम कर देंगे सोटे। तो कॉर्न का जो पुलाव होता है ना अच्छा लगता है, मीठे मीठे से कॉर्न अंदर डाल देते हैं ना सीज़न में, तो बहुत बार मैं बनाती हूँ। अभी सीज़न नहीं है तो मैंने स्टोर करके रखे हुए, तो काम चल रहा है, बाकी मार्केट में तो इतने ज़्यादा आजकल कॉर्न दिखने में नहीं आ रहे, लेकिन ये कि चीज़ें स्टोर करके रख देते हैं ना, तो फिर जब कुछ चीज़ आपको, जैसे आज टाइम भी नहीं था, थकान भी हो रही थी, तो जल्दी जल्दी में फिर मटर है या कॉर्न है, इस तरह की चीज़ें स्टोर करी हुई होती है ना, तो काम बड़ा आसान हो जाता है, सब्ज़ी भी बन जाती है, पुलाव बन जाता है, दलिया बन जाता है, बहुत सारी चीज़ों में डाल सकते हैं। और उसके बाद में जो चावल थे उसका मैंने सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल के और फिर इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो होती है बिल्कुल मेन स्टेप होती है, इसको आप बहुत ध्यान से देखना, इसको चावल को हमको करना है अच्छे से रोस्ट करना है तेल के अंदर, अच्छे से उसको पकाना है, पकाना क्या भुनना है मतलब, तो करीबन 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको मैं भुनूंगी। तो स्टार्टिंग में तो जो चावल होते हैं ना वो कढ़ाई में नीचे चिपकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये भुनेंगे ना तो ये बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ देंगे, बिल्कुल अच्छे से बिखरे बिखरे से हो जाएंगे और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। और हिलाने के लिए मैंने चावल को इस तरीके का फ्लैट स्पैचुला का यूज़ किया है, ताकि चावल जो है वो टूटेंगे नहीं। यदि आप गोल वाला चम्मच या दूसरा चम्मच ले लेंगे ना, तो आप जितनी बार इसको हिलाएंगे तो फिर चावल के ना टुकड़े होते जाते हैं, तो ये फ्लैट वाले स्पैचुला से टुकड़े नहीं होंगे। तो करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं, चावल का कलर भी चेंज हो गया है, वो अच्छे से खिले खिले से हो गए हैं। अब मैं डालूंगी इसके अंदर मसाले, तो बिल्कुल बेसिक वाले मैंने मसाले डाल दिए, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, बस ये 3 चीज़ें डाली है। और मसाले डालने के बाद में अगेन इसको मैं 1 मिनट तक भुनूंगी, ताकि मसाले जो है ना वो भी अच्छे से मसाले जो है वो भुनेंगे ना चावल के साथ में, तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से पुलाव जो बनते हैं ना वो टेस्टी तो बनते ही हैं, एक एक चावल का दाना जो है वो भी बिखर जाता है अच्छे से। और ये रेसिपी जो है ना बच्चों के टिफ़िन के लिए, लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी। आप इस तरीके से रात को भी चावल को, मसाले को, सबको भून के रख सकते हैं, और मॉर्निंग में करना कुछ नहीं है, इसके अंदर खाली गर्म पानी डाल दो और 10 मिनट में रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है, और फिर बच्चों को आप दही और रायता किसी के भी साथ में आप टिफ़िन में दे सकते हैं, तो अच्छा लगता है इस तरीके से। तो बस करीबन 1 मिनट हो गया है, सभी मसालों को भी मैंने भून दिया, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। तो पानी मैंने ऑलरेडी गर्म किया हुआ है, तो ठंडे पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में जो पुलाव बनता है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, पानी की यदि मैं आपको मेज़रमेंट बताऊं तो एक कटोरी यदि चावल ले आए ना तो उसका 3 गुना पानी लेना होता है। कुकर में जब हम तहरी या खिचड़ी पुलाव बनाते हैं ना तो 2 गुना पानी लेते हैं, लेकिन जब कढ़ाई में बनाते हैं तो 3 गुना पानी लेना होता है। तो मैंने 2 से 2.5 कटोरी चावल लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी डाल दिया, और देखो पानी डालते में उसके अंदर उबाल आ गया था, क्योंकि पानी ऑलरेडी गर्म था। तो इस तरीके से तो जल्दी भी बन जाते हैं, टाइम सेव हो जाता है।
और उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाली थी थोड़ी सी शुगर। तो शुगर जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन डालने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और बस उसको फिर ढक के पकाएंगे। तो 10 मिनट लगे थे, खाली 10 मिनट में देखो पुलाव जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। और इतना अच्छा पुलाव बना है, बहुत ही अच्छा, खाने में बहुत ही टेस्टी। तो शाम के टाइम पे जिन साहब को ना पुलाव कम पसंद आता है, पुलाव चावल ये सब चीज़ें कम पसंद आती है, लेकिन आज कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ा सा उनका मूड तो ख़राब हुआ, लेकिन फिर बाद में उन्होंने खा लिया क्योंकि उनको जाना था शॉप पे। तभी बस मैं गर्मा गर्म पुलाव रखूँगी सबको दही के साथ में, और हम करेंगे अपना ये टेस्टी सा डिनर। और जब तक आप इन्जॉय करना जाना मत, अभी ये मत सोचना कि वीडियो ख़त्म होने वाला है। आगे जो हमने सम्मेलन, मतलब जो हमारा गेट टुगेदर हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे मैंने पिक्चर्स लिए अपनी फैमिली के साथ में, तो वो आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। देखना ज़रूर और बताना कि कौन सा पिक्चर आपको सबसे बेस्ट लगा।